सो फाइनली दोस्तों गुड न्यूज आ चुकी है डीडी फ्री डिश की ओर से आप सभी के लिए। एमपीईजी 2 को लेकर प्रोरेट बेसिस पर ई ऑक्शन का ऐलान कर दिया गया है और सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो मुझे ये महसूस हो रही है अपने आप से कि इसको लेकर जो है वो आपको मैं कुछ देर पहले ही जानकारी देने वाला था, क्योंकि ये जो है प्रसार भारती की ओर से मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी कि आपके लिए जो है वो कुछ ही वक्त में MPEG 2 को लेकर प्रोरेट बेसिस पर ई ऑक्शन होने वाली है और इसको लेकर मैंने एक वीडियो को बकायदा तैयार भी कर लिया था और उसका शेड्यूल भी लगा दिया था जो कि आज शाम को आपके लिए पब्लिक होने वाली थी। लेकिन हैरानगी की बात देखिए, इत्तेफाक की बात देखिए कि उस दौरान जो है कुछ देर पहले ही यानी कि उस वीडियो के पब्लिक होने से पहले ही आपके लिए प्रसार भारती की ओर से अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस ई ऑक्शन को प्रोरेट बेसिस पर रखा गया है, यानी कि जो भी MPEG 2 में कोई स्लॉट खाली हो तो उसको भरने के लिए इस ई ऑक्शन को शुरू किया जाएगा और ये जो ई ऑक्शन है दोस्तों वो आपको 10 अगस्त 2022 को होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है उन सभी ब्रॉडकास्टर्स को बुलाया गया है जो भी इच्छुक है, यानी कि यहाँ पर भेदभाव ना करते हुए सभी जनर के चैनल को तमाम चैनल्स को मौका मिलेगा डीडी फ्री डिश के MPEG 2 में स्लॉट जीतने का। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिर चैनल ऐसा कौन सा है जो कि इच्छुक है डीडी फ्री डिश का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बकायदा बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर ऐसे में से कौन सा चैनल है जिसको यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि प्रसार भारती ने जो यहाँ पर इन्विटेशन दिया है वो केवल एक चैनल को लेकर ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MPEG 2 में एक ही स्लॉट खाली है, इससे ज्यादा स्लॉट कोई खाली नजर नहीं आ रहा है, तो उसको भरने के लिए इन्होंने सभी चैनल्स को बुला लिया। अब हिस्सा तो मान लीजिए 10 चैनल लेंगे तो 10 चैनल्स को मौका तो मिलने वाला नहीं, उनमें से किसी एक चैनल को ही मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 2 चैनल को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि MPEG 4 में एक स्लॉट अभी भी खाली बना हुआ है, तो उसकी जगह पर किसी एग्जिस्टिंग चैनल को MPEG 2 से शिफ्ट करके MPEG 4 में भेज सकते हैं जिससे 2 स्लॉट्स करीबन खाली हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चैनल तो डेफिनेटली आपके लिए लॉन्च हो ही जाएगा, कौन सा होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 10 अगस्त 2022 को सारी पिक्चर साफ हो जाएगी जब ई ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो ई ऑक्शन में अगर कोई चैनल वाकई में स्लॉट ले जाता है, जीत जाता है, तो वो जो चैनल है वो 17 अगस्त 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए देखने को मिलेगा और इस दौरान भी उस चैनल को पूरा अधिकार होगा कि अगर वो छोड़कर बीच में जाना चाहे कुछ महीनों में तो वह जा सकता है प्रोडक्ट बेसिस में, यानी कि कुछ महीने तो निकल ही चुके हैं एनुअल ई ऑक्शन से, तो अगस्त से लेकर आपके मार्च तक की जो वैधता है वो इस चैनल को दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि चैनल आता कौन सा है, कौन सा यहाँ पर स्लॉट जीता हुआ दिखाई देगा, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा चैनल था जो कि आपको लगता है कि इस ई ऑक्शन में वो भाग लेते हुए दिखाई देंगे और वो स्लॉट जीत भी सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारी ओर से तो ऐसे कोई भी जानकारी सामने नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हमारे बीच ऐसी कोई भी जानकारी आई भी नहीं है जिससे हम आपको बता पाए कि चैनल्स कौन कौन से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, कुछ वक्त बाद दोस्तों देखने को मिलेगा कि कुछ चैनल्स का जो नाम है वो हो सकता सामने आए जो कि इस ई ऑक्शन में भाग लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे हमारे बीच कोई भी जानकारी आएगी हम तो आपके बीच लेकर आएंगे ही, लेकिन आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हो इस ई ऑक्शन को लेकर वो भी नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन आगे भी इसी तरह से पाते रहने के लिए।